मैं सोच रही थी कि बिलाल के लिए भी कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए ना, तो तुम्हारे साथ साथ उसकी भी शादी कर दो। माशाल्लाह से बरसरे रोजगार है, खाता कमाता है मेरा बच्चा। अम्मी, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? साइमा की जो बहन है उरूसा, उससे बिलाल की शादी करवा दें। अरे दोनों बहनें एक ही घर में आ जाएंगी, खुश भी रहेंगी। वाह बेटा वाह, अरे कितना ख्याल है तुम्हें अपने ससुराल का। हाँ खूब सोची तुमने, ये तुमने देख लिया कंगलों में रिश्ता। ठीक है, कम से कम मैं अपने बेटे की शादी ना ऐसे गरीब गुरबा और कंगलों में नहीं करूंगी। अपने इस बेटे के साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी मैं। उसके लिए तो मैं किसी अच्छे बड़े अमीर कबीर खानदान से रिश्ता लाऊंगी। अच्छा एक मुझे बात बताएं, ये जो अच्छे घर की अमीर कबीर लड़की जो होगी, जो पैसे भी लाएगी, गाड़ी भी लाएगी, बंगला भी लाएगी, हमारे इस घर में क्यों आएगी? शहजादा है, बरसरे रोजगार है, खाता कमाता है, शहजादी से कम बहू नहीं आएगी। बस चल इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। इंशाल्लाह तुम देख लो। अरे भाई तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? बताओगी नहीं तो मामला सॉल्व कैसे होगा? वैसे एक बात बताऊं, मुझे तो ना साइमा आपी की बात बिल्कुल ठीक लग रही है। जो शराफत से ना माने ना तो फिर बदमाशी दिखानी पड़ती है, दुनिया का उसूल है। सोया मुझे अम्मी के हट होने का दुख है, पर जाहिर तो उन्होंने अब्बू की नाराजगी और गुस्से की वजह से इस रिश्ते को खत्म कर दिया, लेकिन वो आज तक अपने भाई को भुला नहीं सकी। वो आज तक उस खूनी रिश्ते को याद करती है। रात के अंधेरे में मैंने उन्हें भाई की मोहब्बत के लिए रोते हुए देखा है। तुम्हारी अम्मी पागल है क्या? ऐसे लालची और खुदगर्ज लोगों से ना हर ताल्लुक खत्म कर देना चाहिए। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया? अच्छा सॉरी ना। अच्छा रुको तो सही, एक तो ये हर बार ना मूड ऑफ कर लेती, समझ में नहीं आता क्या बात बुरी लग रही। अच्छा बाबा सॉरी, आइंदा नहीं कहूंगी। उरूसा बात तो सुनो यार। अच्छा रुको तो, कहाँ जा रही हो यार, मेरी बात सुनो। अच्छा सॉरी।